हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिनिया रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ और अच्छे होने की और भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो वो रीज़न क्या है, आज वही व्लॉग है ये, और इस व्लॉग में मैं इस बारे में ही जानकारी देने वाली हूँ कि रीज़न क्या है कि मेरी जो तबीयत ठीक नहीं रहती है। ओके, तो गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो 8:30 हो रखा है अभी। और बस तो घर के कामों में लगी हुई थी, फिलहाल झाड़ू वगैरह हो गई, बस पोछा लगाना बाकी है और बाकी का काम जो भी घर का लगा रहता है आपको पता ही है सबका मॉर्निंग का। तो देखते हैं यार, मैं कंटिन्यू व्लॉग बना पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि पहले जैसे कि मैं बोल देती हूँ मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी और फिर मैं बना नहीं पाती, बिल्कुल भी स्किप कर देती हूँ, काफ़ी गैप ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गैप ले लेती हूँ अपने व्लॉगिंग में। और मेरे व्लॉग्स काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत प्यार देते हैं एंड थैंक यू वेरी मच उस चीज़ के लिए। और वो रीज़न है आज के जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाती, क्या रीज़न है तो उस बारे में आज इस व्लॉग में बात होगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा इस व्लॉग में, नहीं तो वो बात रह जाएगी तो आपको जो जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो मॉर्निंग का टाइम है एंड कल हम कहीं गए थे तो वो लाइनर काजल की वजह से ना, तो आंखें इतना जो ब्लैक 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 हो रही हैं, वो कर लिया मैंने फेस वॉश, बट उसके बावजूद भी इतनी डार्क सी लग रही हैं आईज बहुत ज़्यादा। तो बस कामों में लगी हुई थी, यहाँ ओल्ड सॉन्ग चला रखे हैं मैंने, और हमने जैसे कि वाईफाई लगवा लिया है तो जो हमारा ये है LED उसी से चलता है वाईफाई से, तो यहाँ ओल्ड सॉन्ग चला रखे थे और अभी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा सॉन्ग सुनने के बाद बाद काम करती रहती हूँ ना, तो अच्छा रहता, अच्छा लगता है मुझे भी और सभी को ज़्यादातर अच्छा लगता है गाने सुनते सुनते काम करना। और ये वाला तो रूम भी, मतलब घर भी मैं नहीं दिखा पाई जहाँ शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो यार मतलब अगर तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो मूड नहीं होता किसी भी चीज़ का, तो फिलहाल ऐसा ही है मेरे साथ भी। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी व्लॉग दे पाऊँ, ज़्यादा गैप नहीं करूँ मैं अपने व्लॉगिंग में। तो प्लीज़ आप उसके लिए लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि मैं अपने काम में लगन लगाऊँ अपने काम में लगी रहूँ। तो जी चलते हैं बाकी के कामों में। और ये रेड रेड मैंने आपको बताया सिंदूर लग गया था, सिंदूर ऐसे कि वो मतलब कल तैयार हुई थी, ऐसी तैयार हो गई थी इन कपड़ों को पहनने के बाद, उसके बाद मेरे को ये कपड़े चेंज करने पड़ गए। अब जैसे ही चेंज करे मैंने तो ये सिंदूर सारा, जैसे मैंने उतारे थे दूसरे पहनने के लिए तो सारा सिंदूर यहाँ पर लग गया, तो ये पूरा रेड रेड हो गया। तो जी चलते हैं किचन की ओर क्योंकि बाकी का भी काम है काफ़ी, बर्तन वगैरह जो भी है देखते करते धीरे धीरे, चलो चलते हैं एंड गाने को म्यूट से हटा देते हैं। काफी पुराने गाने, तो यहां पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ। साथ देने का वादा करो तो मैं बाजार ना जाऊं, आता रहूं अगर कर वादा, मैं यूं ही मस्त नगर में लुटाता रहूं
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कर लेते हैं बर्तन। तो आप मेरी किचन देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्पेस एंड बहुत ज़्यादा खुली खुली है। खुली खुली किचन अच्छी लगती है, ओपन किचन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ा सा हवा लगती रहती है। और इसमें तो सामने, बिल्कुल सामने विंडो है, 3 विंडो हैं, तो अच्छी अच्छी हवा आती रहती है वहाँ से। मतलब अच्छा फील होता है, इतना मुझे घुटन नहीं लगती किचन में। और यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो जी ब्रेकफास्ट लेकर चलते हैं। उससे पहले बहुत गर्म गर्म दूध है, मुझे थोड़ा सा गुनगुना दूध अच्छा लगता है, ज़्यादा ठंडा नहीं अच्छा लगता। इसमें डाल देते हैं केसर, तो केसर वाला दूध पी रही हूँ आजकल। मतलब थोड़ा सा गैप कर देती हूँ बीच में, बट फिर भी चल रहा है मेरा कंटिन्यू सही। और ये हस्बैंड जी के लिए दूध करा है और अपने लिए, और चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं आगे। आप पूरे व्लॉग के साथ बने रहिएगा तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। इसमें केसर है को जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू। हेलो जी, तो सारा काम हो गया वैसे मेरे घर का, बस खाना पीना बनाना है। और आजकल पता है क्या क्या, क्या करती हूँ, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादातर 10 बजे तक काम निपटा लेती हूँ। तो आज कुछ ऐसा था, थोड़े कपड़े भी धोए थे मैंने, और कपड़े भी जल्दी जल्दी धो रहे थे, फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो कपड़े भी धुले थे मैंने आज, तो रोटी तो मैंने डाल दी थी, पहले रोटी डाल दी थी मैंने आज, फिर थोड़ी की सब्जी सी बनानी है मुझे, थोड़ी सी बस, ये आलू आलू की सब्जी बनानी है, आलू टमाटर की। और मुझे बनानी है थोड़ी सी मैगी, वो भी मसाले वाली मैगी होती है ना, जैसे कि प्याज टमाटर सब कुछ डालने के बाद जो बनाते हैं मैगी, वो वाली बनानी है। तो यहाँ मैगी रखी है, मुझे ये बनानी है थोड़ी सी, पहले उसे खाऊंगी, खाना बाद में खाऊंगी। और मेरा पूरे दिन खाना खाना चलता रहता है, बस रीज़न क्या है वो सब मैं अभी बता दूंगी आपको। तो अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर अनार, और सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने खाया था सेब, उसके बाद फिर नाश्ता करा ब्रेड और दूध के साथ, फिर बाद में अब ये खा रही हूँ मैं खनहाने के बाद, और उसके बाद खाऊंगी मैं मैगी, एंड फिर बच्चे आ जाएंगे जब खाएंगे खाना। तो मेरा मतलब पर आवर्स हर हर घंटे खाना है मुझे कुछ ना कुछ। कुछ ऐसा ही चल रहा है मेरे साथ, सबसे मैं छोड़ देती हूँ सब्जी आलू टमाटर की, और उसको भी कर लेती हूँ, सब सामान तैयार है, साथ में कर लूंगी सब चीजें। मेरा मसाले वाली मैगी का ना मन था, सादा तो बना के खाते हैं जैसे कि उसमें मसाला आता है उसके साथ जो बनाते हैं, बट मुझे अलग से छौंका लगा कर अच्छी तरह से वैसे खानी थी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। बाकी पूरा घर क्लीन हो गया, बच्चे स्कूल गए हैं, पूरा काम हो गया घर का। तो जी रूम में आ गए हैं, अब मैं चला लेती हूँ पहले एसी, क्योंकि गर्मी में साई हूँ, एक साथ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लाइट आ रही है, फ़ोन को रखते हैं यहाँ पर और यहाँ बैठते हैं, थोड़ा नीचे करती हूँ, गर्मी लग रही है। तो जी सब्जी बन रही है और मैगी बन रही है, फिर मैगी खाऊंगी मैं। और तो मैं आपको क्या बताऊं, तो गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं आपको। और काफ़ी लेट हो गया ये खबर देने के लिए, स्टार्टिंग में नहीं दी थी मैंने। तो गुड न्यूज़ ये है कि, तो फ्रेंड्स गुड न्यूज़ ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा, तो बस यही खबर देनी थी मैं मुझे आपको। तो जी यही खबर देनी थी, और जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, और मेरी आजकल बहुत तबीयत ख़राब भी रहती थी, जैसे कि वोमिटिंग एंड चक्कर आना और बहुत ज़्यादा आलस, नींद नींद आना, तो वो तो अभी भी है।
तो मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में कभी तो व्लॉग दे दिया करूँ मैं आपको, जिससे कि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ऐसा ही है, तो बस उसी में थोड़ा सा बिजी थी मेडिसिन लेने में, एंड बहुत ज़्यादा उल्टियाँ ये सब सारा लगा रहता है, आपको पता ही है। तो ये खबर देनी थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी हमारे यहाँ और ज़्यादा खुशहाली आने वाली है। तो अब तो खैर ठीक रहने लगी है तबीयत, अब मेरा 4th मंथ चल रहा है तो अब थोड़ी ठीक रहने लगी है तबीयत, वरना 3 महीने तक तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मैं गैस बंद करके आती हूँ पहले। तो जी आगे गैस बंद कर गए, और तो आजकल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती थी इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी, इसलिए गैप ले लिया मैंने। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि आगे ग्रो कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था मेरा चैनल और इतना ज़्यादा गैप लेने के बाद। कुछ तो उस दौरान हमने ये घर शिफ्ट किया था और फिर उसमें थक गई मैं बहुत ज़्यादा, और फिर मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं, मेरा मूड नहीं होता था कि फ़ोन भी चला लूँ, वो तो अब भी नहीं होता है, बट इतना तो टाइम निकाल सकती हूँ कि कभी कभी व्लॉगिंग करूँ एंड एडिट करके और आपको भेज सकूँ मैं। और तो चलो जी, बच्चे आएंगे स्कूल से तो उनसे मिलवाऊँगी मैं आपको। जी हाँ, सब्जी भी बन गई हमारी हमारी, और जी यहाँ मैगी भी बन गई मेरी, थोड़ी सी सूप वाली रखी है मैंने, तो इसको मैं सर्व कर लेती हूँ, हस्बैंड जी को दे देती हूँ और मैं खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिली है मेरे बच्चों से, तो दोनों बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, अपने होमवर्क कर रहे थे स्कूल का, और मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ मैं सेब कट कर लेती हूँ, मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं, हम तीनों खाते हैं, और यहाँ बातचीत कर रहे थे आपस में और बस सेब खाने में लग रहे थे हम लोग। तो बस यही है, तो काफ़ी दिनों से वैसे देख भी नहीं पाए थे आप, मेरे बच्चों से मिल नहीं पाए थे। तो देख लीजिए, ये रहा ओजा, ये परिनिया। तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी तो आप देख भी कहाँ थे मतलब देख नहीं सकते थे ना, तो ब्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। तो जी आज का ब्लॉग यही था, तो प्लीज़ प्यार देना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ, लाइक करना मत भूलिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, प्यार बनाए रखिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है यार, मतलब बहुत डेड हो गया मेरा चैनल, बहुत डाउन चला गया है, तो इतना ज़्यादा गैप लूँगी तो यार फ़र्क तो पड़ता ही है ना चैनल पर, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो, और मैं ही, पहली बात तो यह है कि मैं बच्चों को नहीं चलाने देती फ़ोन दोनों को ही, तो जैसे कि उनसे करा लूँ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ, जो एडिटिंग जो भी व्लॉगिंग या कुछ भी अदरवाइज, तो ऐसा ही है तो मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए गैप हो गया। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।